चलो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे सॉसेज पसंद है। ये बहुत अच्छा है कि मुझे यह मिला, और वो भी एक बड़ा सॉसेज, स्वादिष्ट। और अब मैं पता लगाऊंगी कि मुझे कौन सी स्वादिष्ट चीज मिलेगी। अरे नहीं, मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए था, एक गंदा कॉकरोच नहीं। शायद मैं फिर से घुमा सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम चाहती हो कि मैं बकवास खाऊं? कितनी बदबू आ रही है, और ये रेंगते भी हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। यदि तुम ये नहीं करना चाहती हो तो बुरा होगा, पनिशमेंट पहिए का समय है। नहीं, मैं कॉकरोच खा लूंगी। हालांकि वे मेरे स्वादिष्ट पिज्जा में बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। उन्होंने मेरे हाथ पर हमला किया। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा सॉसेज खाने का समय हो गया है। तुमने एकदम सही कहा, मुझे लगता है कि मैं पिज्जा से एक हॉट डॉग बनाऊंगी, स्वादिष्ट सॉसेज को भर के। जरा देखो कि ये कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मैंने लंबे समय से कुछ इससे बेहतर नहीं चखा है। सॉसेज पिज्जा के स्वाद को और भी कमाल का बना रहा है। ये साधारण हॉट डॉग की तुलना में बहुत स्वादिष्ट है। जूली, तुम मुझे अपनी स्वादिष्ट पिज्जा को खाने के लिए मजबूर कर रही हो, और बेशक मैं इसे खुशी खुशी करूंगी। तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें मेरे सॉसेज और मेरे पिज्जा को छूने दिया? चलो मुझे हॉट डॉग दे दो। शर्म नहीं आती? अपने कॉकरोच खाओ। मुझे नहीं खाना, बहुत सारे हैं। वे स्पष्ट रूप से मेरा पिज्जा खाना चाहते हैं। अरे हाँ, सच में बहुत सारे हैं। चलो सब बाहर निकलो, मुझे कम से कम पिज्जा का एक बाइट खाने दो। ओह, उन्होंने मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा है। खैर, अब इसे खाना आसान है। उसने एक कॉकरोच खा लिया, कितना खराब। लगता है मेरे मुंह में कोई आ गया है। हटो। मेला के मुंह में अब कॉकरोच का साम्राज्य बसेगा। क्या मैं इस बार पहले पहिया घुमा सकती हूँ? पता नहीं इस दौर में मेरे साथ क्या होगा। अरे नहीं, कीड़े नहीं। मैं च्युइंगम से खुश होऊंगी, कीड़े से नहीं। अरे, मुझे हबा बबा पसंद है, कितना अच्छा। अब पहिया घुमाने की मेरी बारी है। क्या यह सही नहीं है? उसे च्युइंगम क्यों मिला और मुझे चिकन के पैर? ये कितने डरावने और गंदे हैं। हाँ, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है, और बेहतर होगा कि तुम इसे जल्दी से खा लो। हाँ सच में, मैं किसका इंतजार कर रही हूँ। पिज्जा को सुंदर और स्वादिष्ट बनाने के लिए इन च्युइंगम को सजाने का समय आ गया है। वे रंगीन और लंबे होते हैं, इसलिए पिज्जा अब पक्का इसके साथ नए रंगों से जगमगाएगा। मुझे यकीन है अच्छा होगा। कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह कमाल का निकला। हाँ, यह अच्छा लग रहा है, चिकन पैरों की तरह गंद नहीं। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मिला इस शरारत से चौंक जाएगी जो मैं उस पर करने वाली हूँ। यह क्या बकवास है? नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। बेहतर होगा तुम इनको मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि पिज्जा पर लगाओ, ये ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे सजा क्यों दी जा रही है? मैं पिज्जा के स्वाद का मजा ले सकती थी, लेकिन मुझे चिकन पैरों को खाना होगा। कैसा है जूली, क्या तुम्हें ये पसंद है? स्वादिष्ट पिज्जा है ना? क्या तुम अभी भी मजाक कर रही हो? अपना पिज्जा खाओ। हाँ बिल्कुल, मैं स्वादिष्ट पिज्जा क्यों नहीं खाऊंगी। यह कितना बढ़िया है, मुझे नहीं पता था कि च्युइंगम और पिज्जा एक साथ मिलकर कुछ इतना अच्छा बनाएंगे। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुकना नहीं चाहती। शायद सबसे अच्छा पिज्जा जो मैंने कभी देखा हो। मुझे लगता है यह एक बड़ा गम बबल का समय है। अरे वाह, वो सच में बड़ा है। जितना बड़ा बबल उतना बड़ा धमाका। क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? मैं इसके कारण कुछ भी नहीं देख सकती। चिकन पैरों से छुटकारा पाने का यह मेरा मौका है, उनके बिना पिज्जा खाना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जूली, तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं देखा? यह नहीं चलेगा, मैंने सब देखा है, और अपने धोखे के लिए तुम्हें पनिशमेंट विल का सामना करना पड़ेगा। अरे नहीं, आशा है कि मुझे कुछ अजीब ना मिले। हो
रे बारिश, ये अच्छा है। क्या होगा अगर चिकन पैरों की बारिश हो? हाँ, मदद करो, मैं इन गंदे पैरों से ढक गई हूँ। जूली तुम बहुत मस्त लग रही हो। देखते हैं इस बार कौन सी ट्रीट मेरा इंतजार कर रहा है। अरे हाँ, यह हुई ना किस्मत। यह गमी आंखों का समय है, उन्हें ना केवल खा सकते हैं बल्कि उनके साथ खेल भी सकते हैं। देखो मिला, मेरी उंगलियों पर आंखें हैं। ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गया, यह आंखों को चखने का समय है। कैसा है? स्वादिष्ट? बहुत। मुझे यकीन है कि पिज्जा लाजवाब होगा। मैं भी एक स्वादिष्ट ट्रीट चाहती थी। ऑक्टोपस नहीं, वे इतने छोटे पतले और गंदे होते हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि पिज्जा कितना भयानक होगा। हाँ, ये बहुत घिनौना लग रहा है। छी, कितना गंदा लग रहा है। कल्पना कर लो कि ये बहुत खराब होगा। मुझे लगता है मुझे अपना पिज्जा सजाना चाहिए। मुझे यकीन है कि गमी आंखों वाला पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। ये सुंदर और अच्छा भी लग रहा है। कितना स्वादिष्ट है, मैं नहीं रुक सकती। मैं भी गमी को ना नहीं कहूंगी। कुछ भी मना करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से ईर्ष्या करती कि मैंने इतना स्वादिष्ट पिज्जा खाया है। अब मेरे मुंह से आंखें निकल रही हैं। जूली, तुम हमेशा की तरह शरारते कर रही हो। मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ। मिला, तुम क्यों नहीं खाती? मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे याद नहीं दिलाओगी। मैं सच में इन ऑक्टोपस को खाना नहीं चाहती। आशा है कि वे अंदर से मुझसे चिपके नहीं रहेंगे। बेचारी मिला, मुझे तो देखकर भी बहुत बुरा लग रहा है। बेशक वे ऑक्टोपस हैं, उनके पास सक्शन कप है और वे जीभ से चिपके रहते हैं। जूली, क्या तुम्हें लगता है यह फनी है? नहीं, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यह लो। ओह, यह क्या था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम समझ गई होगी कि ऑक्टोपस अच्छा नहीं होता है। तुमने यह क्यों किया? रुको, अब मैं तुम्हारे मुँह में पिज्जा भर दूंगी पूरा। तो तुम निश्चित रूप से इन सभी ऑक्टोपस से बच नहीं सकती। यह लो। छी, कितना गंदा है। जूली, तुम बहुत खराब हो। अरे नहीं, मैंने बस सही किया है। उसके मजे लो। चलो रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं कि कौन पहले जाएगा। मैं जीत गई, तो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। अरे हाँ, मुझे फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। क्या तुम कॉकरोच भी पसंद करती हो? तुम्हें मिल जाएंगे। जूली, तुम्हें पता है कि चीटिंग करना अच्छा नहीं है। पहिये को ठीक करो जैसे वह था, या फिर तुम्हें पनिशमेंट का पहिया घुमाना होगा। अच्छा ठीक है। ये रहे मेरे फ्राइज, इतने सारे हैं और इनसे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जूली, अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। बिल्कुल, आशा है कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मिलेगा, बस स्वादिष्ट होना, स्वादिष्ट होना। नहीं, कुछ भी लेकिन लहसुन नहीं, ये बहुत खराब है। अजीब है, किसी वजह से वो यहाँ नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा। ध्यान से देखो। ओ हाँ, गंध कहीं से आ रही है। मुझे ये बकवास क्यों मिली है, बहुत खराब। खैर, सबसे पहले लहसुन को छीलना होगा। मेरे पास इसके लिए एक विशेष मशीन भी है। सबसे पहले यहाँ लहसुन की सारी कलियाँ डालनी होंगी और कुछ ही सेकंड में लहसुन बदल जाता है छिले हुए लहसुन में। हो गया। और इससे पिज्जा पर एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं, दिल की तरह। बढ़िया आइडिया है। और फ्राइज की मदद से मैं अपनी भावना व्यक्त करूंगी, खुशी, यानी मैं एक प्यारी सी स्माइली बनाऊंगी। एक स्माइली दिल से बहुत बेहतर है। हाँ, कुछ भी, तुमने बस मुझे कॉपी किया है। मेरे लहसुन के दिल को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ हाँ, अब तुम्हें इस दिल को खाना पड़ेगा। मैं इसे कैसे खाऊंगी, दिल कितना खूबसूरत है। तुम बहाने बनाते रहो, पनिशमेंट पहिए का समय है। अरे यार, मैं बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हूँ।
मुझे न केवल लहसुन के साथ पिज्जा खाना होगा बल्कि एक ब्लेंडर में इसका कॉकटेल भी बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक ब्लेंडर है इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसा निकलेगा। मुझे लगता है कुछ बहुत ही गंदा होने वाला है। अब हम पता लगाएंगे, चलो। Come on! अगर मैं उल्टी करती हूँ तो मिला या तुम्हारी गलती होगी और यह ड्रिंक निश्चित रूप से मुझे बीमार कर देगा। हाँ हाँ, यह सच में गंदा लग रहा है। यह मेरे मुंह में कचरे के डब्बे की तरह है। इस तरह के स्वाद के साथ मैं निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रहूंगी। छी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भी इसका पता चलना चाहिए। उफ, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं, लहसुन ने मिला को भी मार डाला। क्या है यह सब? मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। वाह, फ्रेंच फ्राइज भी मेरे चेहरे पर आ गए। वाह, हमारे साथ रहे मजेदार होगा। दादी, यह जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वह क्या खाना चाहती है। वह पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है, वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं, लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही, मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह मिया, नुसरत गोकसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेज आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है।
गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है, मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। आह, सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा। और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट, कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है, मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है, मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक सुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है, मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रुशन चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रुशन खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांसे हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें अवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ, फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती, इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मियां ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोशंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपने डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोशन जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डेसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं, अभी बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है, अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है।
हमारी बच्ची को सच में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। अब मैं कम से कम उनसे छुटकारा तो पा सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हमारी चुनौती हमारा इंतजार कर रही है केक के साथ। चलो मैं शुरू करती हूँ। मुझे वास्तव में दिलचस्पी है कि किस तरह का स्वादिष्ट केक मेरे केक को पूरा करेगा। वाह, यह पहिया अंतहीन रूप से घूम सकता है, लेकिन मैं उसे रोक सकती हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। क्या बसा भी? लेकिन मैंने इतना सपना देखा कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मैया, पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे आशा है कि मैं कम से कम भाग्यशाली हूँ। वाह, लेकिन अगर एरो बीच में है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं गलत थी, मुझे दोनों मिल गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं केक को सजाने और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने में सक्षम होऊंगी। मुझे न्यूटेला पसंद है, लेकिन इसे केक पर समान रूप से कैसे फैलाया जाए? बिल्कुल। मदद के लिए मुझे निर्माण सहायक टूल्स की जरूरत होगी। स्पैचुला को मेरी मदद करनी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। काश मैं भी इस केक को आजमा पाती। और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे एक रोलर के साथ केक पर चॉकलेट को अच्छी तरह से स्मेयर करने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट पर जा सकती हूँ। यह चॉकलेट लेती हूँ। हमें रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है, फिर हम काम पर लगेंगे। वाह, डायमेंशन के साथ गलती ना करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले मेजरिंग टेप के साथ सब कुछ मापना महत्वपूर्ण है। सब आकार में पूरी तरह मेल खाता है। अब आखिरकार मैं केक पर चॉकलेट बार सजा सकती हूँ। तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारे पास अभी भी वसाबी की पूरी ट्यूब है। हाँ, उनकी महक भी तीखी है, लेकिन मैं साबित करूंगी कि मैं बहादुर हूँ। मैं किसी तरह की वसाबी से नहीं डरती। अब मुझे इस वसाबी को केक पर फैलाना है। ऐसा करने के लिए मैं एक स्पैचुला का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मियाँ बुरा नहीं मानेगी। हाँ, यहाँ कुछ न्यूटेला भी बचा है। तैयार। बेशक स्पैचुला को धोने की कोई जरूरत नहीं है। इसे वापस मियाँ के पास देना बेहतर है, ताकि वो अपने अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट केक में कुछ तीखापन ला सके। अजीब बात है, चॉकलेट हरी क्यों है? वसाबी की तरह है। केट, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आँख में लग जाती तो? बस बातचीत बंद करो, यह खाने का समय है। ऐसा लगता है कि केट ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। मुझे शुभकामनाएं दो। तो क्या इसका स्वाद तुम्हें अच्छा लगा? मेरे लिए केक चखने का समय हो गया है। कुछ मुझे बताता है कि सिर्फ जादू ही होगा। मैं सही थी, मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। मैं बस नहीं रुक सकती, ये एक असली चॉकलेट बम है। ओह, चॉकलेट बम! मेरे पास केक नहीं है, लेकिन असली आग है। सुनो, खाती हूँ। आह, मैं सही थी, मेरा मुंह जलने वाला है। मदद करो, बचाओ! और चाहिए? ओह, किसी और का केक लेने के लिए सजा का पहिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह और खराब नहीं होगा? ओह नहीं, मुझे अंडे से नफरत है। तुम्हारे साथ सही हुआ, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी और से चोरी करने से क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें केक में अंडे डालने की जरूरत है। अगर तुम्हारे सर पर भी अंडा हो तो चलेगा। आह, कितना खराब, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। घिनौना। यह स्वादिष्ट होगा। मियाँ, तुम क्यों सो रही हो? स्पिन करो। हाँ जरूर। हुर्रे, मुझे कैंडीज मिले हैं। मुझे क्या मिलेगा? कुत्ते का खाना।
नो। लेकिन मैं कुत्ता नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें इसे खाना होगा। स्वादिष्ट कैंडीज की एक पूरी जार मेरी प्रतीक्षा कर रही है। Hey, what? Awesome! किसी ने कभी कुत्ते के खाना को नहीं खाया होगा। शायद ये वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। यहाँ एक विशेष स्ट्रिप है। इस खाने की गंध से मैं बीमार पड़ जाऊंगी। और मुझे वास्तव में कैंडीज पसंद है। वे बहुत खट्टे हैं, पर स्वादिष्ट। अब मैं इसे केक पर डाल सकती हूँ। यह दोनों साथ में बहुत अच्छे से जाते हैं। बहुत बढ़िया, यह खूबसूरती से निकला। मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट भी है। अच्छा, चलो खाकर देखते हैं। कितना सुंदर टुकड़ा है। खट्टापन महसूस हो रहा है। मुझे पसंद आया। मुझे देखना बंद करो। बेहतर होगा कि तुम अपना खाना खाओ। अगर मैं पैक से बाहर निकालती हूँ तो बहुत ज्यादा निकलेगा। मुझे लगता है कि एक मुट्ठी काफी होगा। बिल्कुल नहीं, सब कुछ। जल्दी करो। तुम इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो? लो, डाल दिया। अब तुम खुश हो? अब मेरे पास केक नहीं बल्कि पूरे खाने का कटोरा है। आशा करती हूँ कि मैं इसे खाने के बाद उल्टी ना कर दूँ। यह केक सच में बहुत खराब है। ओह, कुत्ते इस चीज को कैसे सहन करते हैं? वाह, हेलो बेबी, तुम बस समय पर हो। देखो मेरे पास कितना खाना है। क्या हो रहा है? ये कुत्ता कहाँ से आया? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे एलर्जी है। यहाँ से चले जाओ। तुम सच में बहुत गुस्से में हो। अगर कुत्ता इसे खा सकता है तो मैं भी खा सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम किस बारे में चिल्ला रही हो? मेरी कैंडीज भी खट्टी है, बहुत ज्यादा खट्टी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। यह अफसोस की बात है, मेरा फोन दूर है, नहीं तो मैं एक फोटो ले सकती थी। ओ हाँ, जब तक तुम अपने खट्टेपन के कारण जमी हुई हो, तब तक मैं उसी का खाना दूंगी जिसके लिए वो बना है। बेबी, बोन एपेटिट। क्या कुत्ता यहाँ फिर से आ गया? केट, तुमने फिर से नियम तोड़े हैं। और जो तुम्हें मिला वो तुमने नहीं खाया। पनिशमेंट के पहिया का समय है। ओह, शायद इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लगता है करना होगा। ओ नहीं, यह मेकअप को बर्बाद कर देगा, लेकिन यह मजेदार होगा। अरे नहीं, मुझे तुरंत अपना चेहरा धोना होगा। और मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर केक है। मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह, गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला, जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था, असली कीड़े। छी, उफ, ये कितने भयानक है। मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पसंद हो या ना हो, तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी, ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों? तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो केट। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुंह में नहीं डालना चाहती। कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। छी, इस केक को बिना कीड़ों के तुरंत लेना होगा। ओह, अभी भी घिनौना है। ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं, नहीं हो सकता। फिर से कीड़े, मैं से तंग आ चुकी हूँ। मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है। मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है। इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है।
केट, तुम मेरे लिए एक चीज कर सकती हो? मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो प्लीज? प्लीज क्या बकवास कर रही हो? इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी यार। यह क्या है हमला? मैं अपने केक को बचा सकती हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ। तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूँगी। ओह यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई, मैं केक नहीं खा पाऊंगी। मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे जाने दो। कोरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है, तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। मैं उड़ जाऊंगी, कितनी तेज हवा है। अरे नहीं, नहीं हो सकता, ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला, स्वादिष्ट नहीं। चलो देखें कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली? यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों? सब सही है, किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, ये स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे यह केक हमेशा याद रहेगा। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था? तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है? मैं अपने हाथों से खाऊंगी, इसका स्वाद बेहतर होता है। और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है। केक नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है, तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं, मिस कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है, मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे यह काफी अच्छा निकला। देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखें कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है। इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है। मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों? एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया, आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं, लगता आग लगने वाली है। मम्मी मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है, मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट, मैं तुम पर पानी डालती हूँ। ओह कितना अच्छा, धन्यवाद। पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन यह कांटेदार होगा, मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में ये गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ, कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह इतनी सारी वैरायटी, तो मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला, मुझे ये केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है, इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो। देखो मेरे पास एक दिल है। वाह बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो। धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ तुम 100% सही हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट लेकिन तुम गंदी हो गई हो, तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओ मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो, ये बबल मुझे डरा रहा है, ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे इसका अंत करना होगा, मुझे माफ करना।
तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ, ये बहुत बुरा है। लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह, क्या कांटेदार कैक्टस है, मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होगी, कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनिक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है, जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है, मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे चोट पहुंचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अपने कैक्टस को ग्लेटर पर रगड़ने की जरूरत है, फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो यह लेयर कैसा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया, यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता, यह बहुत बढ़िया बात है।